are going to start your new chapter, chapter 4. The name of the chapter is Socrates. And the name of the writer is Rhoda Power. Is Socrates called he is perhaps the first philosopher of Greece. Greece ke sabse pehle philosopher hue hain aur unki jo philosophy thi na, kyunki philosophers kya hote hain, they think before their time. अपने समय से आगे का वो सोचते हैं. तो सोक्रेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो गलत उस टाइम सोसाइटी में चल रही थी, हाँ, उन्हें वो मानते नहीं थे और वो लोगों को भी ये प्रीच करते थे, लोगों को भी ये समझाते थे कि आपको किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. जिसका आपको पता नहीं है इस चीज़ का सही है या गलत है और आप ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रहे हैं, वो गलत है. You must ask and questions. You must depend on your reason. You must depend on your logic. अपनी बुद्धि पे आपको depend करना चाहिए और सही और गलत का चुनाव तब करना चाहिए. So the people thought that he was spoiling the people. जो leaders थे उस time, जो king और prince थे, उन्होंने सोचा कि ये आदमी हमारी जनता को भ्रमित कर रहा है. ही वॉज स्पॉइलिंग देम एंड द पीपल वर गेटिंग एस्ट्रे. एस्ट्रे मतलब बर्बाद हो रहे हैं. सो वॉट हैपन टू हिम, दो ही वॉज नॉट एट ऑल स्केयर्ड, वो डरता नहीं था बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि वो जो वो कहता था कि मैं जो सच कहता हूँ उसमें मुझे विश्वास है. और एक और उनकी कहावत है, नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन. ये उन्हीं के वर्ड्स हैं कि यदि कोई आदमी अच्छा है, सच्चा है, तो उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता. लेकिन इनको ऐसी बातें करने के लिए वहाँ के राजा ने इनको पनिश किया. हाउ ही वॉज पनिश्ड? ही वॉज एग्जीक्यूटेड, ही वॉज किल्ड. उनको फांसी लगा दी गई. फांसी लगाई दी गई, एक्चुअली उनको मार दिया गया थ्रू पॉइजन. पॉइजन दिया गया था, उनको फांसी लगाई गई, जहर दिया गया. तो इसमें आप सॉक्रेट्स के बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर में, एंड यू विल कम टू नो दैट यू मस्ट ट्राई टू डिपेंड ऑन योर रीजन, ऑन योर माइंड. किसी भी गलत बात को बिना रीजन करे आप एक्सेप्ट मत करो. हाँ, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है और सही गलत का चुनाव आपको करना है. आई विल रीड सर्टेन पैराग्राफ्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैम इन हिंदी. सो आई एम स्टार्टिंग विद द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. सॉक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. This is the first part of the first paragraph, and what does it tell you? Where Socrates was born, when he was born? He was born in Athens. Athens is the capital of Greece. वहाँ पर वो पैदा हुए थे कब? अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट से भी 400 साल पहले. और जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो ही वॉज अगली. अगली मतलब ही वॉज नॉट गुड लुकिंग. और उनकी नोज एकदम फ्लैट दबी हुई थी. आईज वर बल्जिंग. बल्जिंग मतलब कमिंग आउट, बाहर को निकली हुई आईज थी. और उनके फादर क्योंकि स्टोन कटाते, पत्थर काटते थे, गरीब थे वो. तो दैट वॉज द रीजन दैट ही वॉज शैबीली ड्रेस, नॉट प्रॉपरली ड्रेस. उनके पास कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं थे, खराब से कपड़े वो पहनते थे. लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स. ही ऑल्सो लर्न्ड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे. This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो ना बड़े ऑब्जर्वेंट चाइल्ड थे. हर चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस करते थे. स्कूल गए वो दूसरे बच्चों की तरह से, और उनके स्कूल में उस टाइम म्यूजिक और जिमनास्टिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता था. हाँ, उन्होंने साइंस और मैथ्स भी पढ़ा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत स्टार्स के बारे में भी पढ़ा. हाँ, लेकिन उतना हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ा जितना कि आजकल आपको पढ़ाया जाता है. तो अजीब से दिखते थे वो, बौने थे, शॉर्ट हाइट के, है ना, और प्लेन उनका फेस था. ही वॉज नॉट एट ऑल गुड लुकिंग, बट एज आई टोल्ड यू ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट. कोई भी चीज़ उनके ध्यान से
did not miss anything. He did not miss noticing anything. हर चीज पे बहुत ध्यान देते थे. Socrates did not have a big house and or fine furniture. उनका बहुत बड़ा घर भी नहीं था. Furniture बहुत अच्छा नहीं था उनके घर में. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. उन्हें इन सब चीज़ों से लगाव भी नहीं था. उन्हें पैसा नहीं चाहिए था. वेल्थ मतलब मनी को कहते हैं, है ना, और पोजेशंस मतलब रिचनेस. एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कम्फर्ट एंड प्लेजर ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट. जब वो बड़े हुए तो उन्हें बॉडीली प्लेजर नहीं चाहिए था. बहुत बढ़िया कपड़े, बहुत अच्छा घर रहने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए था. रादर व्हाट ही थॉट अबाउट, उन्होंने अपना दिमाग किस चीज़ में लगा दिया, एक ऐसी लाइफ में जो कि ऑनरेबल अच्छी थी और अपराइट थी और जस्टिफाइड थी. वो सच की खोज में लग गए. Socrates went around the town on foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that is Socrates. He used to roam around in the street. गली में घूमते रहते थे और लोगों को भाषण देते थे, लोगों को सीख दिया करते थे, lessons देते थे. And what happened this way, he became very popular. और लोग उनका इंतज़ार करते थे कि कब घर से निकल के आएंगे और हमें कुछ सिखाएंगे, बताएंगे. हाँ, तो जब वो देख लेते थे कि Socrates बाहर गली में निकल आया, तो ये लोग कहते थे that's Socrates, come along and talk to him. चलो, Socrates है सामने, हम उससे बातें करते हैं. After some time, Socrates became famous as a teacher. क्योंकि वो सीख देते थे लोगों को, तो जैसे टीचर करता है ना, वो आपको कुछ सिखाता है, इसी तरह से वो एक टीचर की तरह बन गए लोगों के. He wandered along the roads and stood in the marketplaces, talking to anyone who cared to greet him. वो सड़कों में चलते रहते थे, मार्केट्स में आते थे और जो भी उनसे बात करना चाहता था उससे वो बात करते थे. He listened. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. जो उसकी बातें सुनते थे ना लोग, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself so that by using his reason he would have the power to see what was right. यही बात मैंने आपको बताई थी अभी स्टार्टिंग. हाँ, वो लोगों को बताते थे कि आपको क्या सीखना है. थिंक फॉर योर सेल्फ, खुद सोचो, जो दूसरे ने सोचा है केवल उसको मत मानो. हाँ, और अपने दिमाग को यूज करो और रीजनिंग करो, क्या सही है क्या गलत है ये सोचो, तभी किसी बात को एक्सेप्ट करो. जस्ट ट्रू एंड ब्यूटिफुल एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट. हाँ, आपके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए ये देखने की क्या सही है, क्या सच्चा है, क्या सुंदर है ना, और उसी हिसाब से अपना कंडक्ट, अपने व्यवहार को आपको बनाना चाहिए. ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट. वो चाहते थे कि मेरा कंट्री एक परफेक्ट स्टेट, एक परफेक्ट राज्य बने. He told everyone, both his pupils and his and their other followers, that this could only happen if every citizen educated his mind to see what was right and wrong. वो अपने शिष्यों को और दूसरे लोगों को बताते थे कि भाई ये तभी हो सकता है जब आप अपना दिमाग खुद यूज करो और वो चीज उस चीज को मानो जो सच्ची है और अच्छी है. He believed that questioning and discussing would help them do so. लोगों ने पूछा कैसे करेंगे, उन्होंने कहा questions करो, हर चीज की question करो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या ये सही है या गलत है. And so he was forever talking to them in an open street. इस तरह से वो open streets में he used to come out of his house and he used to tell people about different things. But this was not liked by the people in power at that